Hello friends, welcome you all in my channel Knowledge in Bulk. So friends, in today's video, we will gonna discuss a very important topic, cooperative societies. Hope you will find this video useful. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब इट फॉर मोर रिलेटेड एजुकेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़. तो चलिए शुरू करते हैं. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो अपने कॉमन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वॉलंटरली यानी कि अपनी स्वयं की इच्छा से एक साथ जुड़कर एंटरप्राइजेस बनाते हैं. और इस एंटरप्राइजेस में हर मेंबर अपने अपने लेवल पे इन्वेस्टमेंट करता है और इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये सब लोग मिलकर ट्रेड यानी कि व्यापार करते हैं और साथ ही उस व्यापार से होने वाला जो प्रॉफिट है उसे आपस में ही बांट लेते हैं. सो इस तरीके के बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया में काफ़ी लंबे समय से वर्क कर रही हैं, लेकिन सन 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन मान लिया गया, यानी कि इन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया. सो संविधान के अंदर पार्ट 9B में आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जगह दी गई. साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड किया गया. सो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने को लेकर इसे एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया. इसके तहत सभी सिटीजन्स को ये राइट मिलता है कि वो चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हिस्सा बन सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आर्टिकल 43B के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी जगह मिली, यानी कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किया जाए और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेमोक्रेटिकली वे में वर्क करें. सो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को 2021 में बनाया गया, जिसके मिनिस्टर के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.